सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेटियोगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं यूलिप। यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफी सजेस्ट किया जाता है जब हम अपनी टैक्स सेविंग करना चाहते हैं। सेक्शन 80C के अंदर यूलिप पे आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है। साथ में ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर आपको इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी फायदा मिल जाता है। शेयर मार्केट के अंदर आपका पैसा निवेश होता है या फिर डेट फंड्स के अंदर भी हम निवेश कर सकते हैं, जैसी भी आपकी रिस्क कैपेसिटी हो। तो ये तीनों चीजें एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल रही हैं, तो ये क्या प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। कुछ बातों पर हम कई बार स्ट्रेस नहीं डालते हैं। अक्सर लोग इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बातें जरूर करते हैं, लेकिन कुछ बातों पर जहां स्ट्रेस डालना चाहिए वो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर डालने की। मैं कुछ कैलकुलेशंस आपको दिखाऊंगा कि हम यूलिप में अगर निवेश करते हैं वर्सेस वही पैसा अगर हम किसी सेपरेट इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में डालते हैं तो किस में आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अब यूलिप के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये समझने के लिए पहले हमें यूलिप का प्रोडक्ट अच्छे से समझना होगा। यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसका मतलब ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। अब इंश्योरेंस खरीदने के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है हमारे पास कि हम एक टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक प्योर इंश्योरेंस होती है जिसके अंदर कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है, खाली डेथ बेनिफिट होता है। यानी कि लेने वाले की अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के अंदर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को कुछ पैसा मिल जाता है। दूसरा प्रोडक्ट होता है ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान, जिसे हम एंडोमेंट प्लान या फिर होल लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। उसके अंदर आपकी इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। जितना भी पैसा आप प्रीमियम में भरते हैं वो पैसा कुछ पोर्शन तो उसका इंश्योरेंस के लिए जाता है, कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में जाता है और वो इन्वेस्टमेंट आपकी डेट की फॉर्म में जाती है। यानी कि उस पैसे को कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या तो बॉन्ड्स में डालेगी या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर डालेगी। वहां पे आपके रिटर्न्स एक तरीके से अश्योर्ड होते हैं, 5-6% के आपको वहां पे रिटर्न्स मिल जाते हैं। अब ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान्स इसीलिए रिकमेंड नहीं किए जाते हैं क्योंकि वहां पे आपके रिटर्न्स काफी कम होते हैं। 5-6% में तो खाली आपका इन्फ्लेशन ही बीट हो पाता है, तो एक्चुअली आपका पैसे की कोई खास वैल्यू बढ़ती नहीं है। अब तीसरा प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे यूलिप। यूलिप के अंदर आपका पैसा कुछ पोर्शन इंश्योरेंस के लिए जाता है और कुछ पोर्शन आपको इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, यानी कि आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर निवेश हो सकता है, डेट की फॉर्म में निवेश हो सकता है, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन सब में निवेश हो सकता है। तो यूलिप का यही एक बेनिफिट बताया जाता है कि आपको यहाँ पे इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा भी अच्छा ग्रो करेगा क्योंकि आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर निवेश होगा। अब शेयर मार्केट के अंदर रिटर्न थोड़े से बेटर आ जाते हैं, इनफैक्ट आपके पास चॉइस होती है, आप डेट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे आपके रिटर्न्स एक तरीके से श्योर हो जाते हैं, वहां पे आपको 6-8% तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं। और दूसरा, आप इक्विटी फंड्स के अंदर भी निवेश कर सकते हैं जहां पे आपको 10-12% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। और हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं जिसमें मिक्स कर दिया जाता है, कुछ पोर्शन डेट में जाता है, कुछ इक्विटी में जाता है, वहां पे आपको 8-10% इस तरीके के रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। तो यूलिप के अंदर जो पॉलिसी टर्म होता है वो आपका 5-30 साल तक का होता है। यानी कि 5 साल आपके मिनिमम हो गए, 5 साल का आपका लॉक इन पीरियड हो जाता है। उस लॉक इन पीरियड के अंदर आप पैसा नहीं निकाल सकते, ये एक तरीके से लिमिटेशन हो जाती है यूलिप की। 5 साल में अगर आप पैसा वापस निकालते हैं, लेट से अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, 2 साल आपने प्रीमियम भरा, उसके बाद लेट से अगर आपने सरेंडर कर दिए पॉलिसी, तो आपको एक तो सरेंडर चार्जेस पे करने पड़ेंगे और दूसरा आपका जो फंड है, जो आपने 2 साल का पैसा भरा था, वो एक डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी फंड के अंदर चला जाएगा जहां पे आपको खाली 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। वो 4% आप ये समझ सकते हैं एक तरीके से सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है खाली उतना मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक तरीके की लिमिटेशन हो जाती है। अगर आप इसी पैसे को कहीं और डालते तो आपके पास एक लिक्विडिटी भी रहती, अगर आप म्यूचुअल फंड लेते, ELSS लेते, तो वहां पे आप पैसा कभी भी अपना वापस निकाल सकते थे। हाँ, म्यूचुअल फंड के अंदर 1 साल का लॉक इन पीरियड जरूर होता है जिसके अंदर आपका एग्जिट लोड लग जाता है। आप पैसा तो जरूर निकाल सकते हैं लेकिन वहां पे आपको करीब 1% का एग्जिट लोड लग जाता है। लेकिन यूलिप के केस में तो आप पैसा वापस निकाल ही नहीं सकते हैं, तो ये एक इसकी यहां पे लिमिटेशन है। लेकिन यूलिप का एक फायदा जो काफी बताया जाता है वो है इसके टैक्स बेनिफिट्स। सेक्शन 80C के अंदर जो आपकी टोटल 1.5 लाख की लिमिट होती है, उसके अंदर यूलिप का भी एक ऑप्शन है। तो जितना भी आप अपना एनुअल प्रीमियम भरते हैं वो आप उस पर टैक्स रिबेट ले सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। लास्ट ईयर से म्यूचुअल फंड्स के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगने लग गया है और उसमें भी अगर आपके साल में 1 लाख से ऊपर के रिटर्न्स आते हैं उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है 10%। यूलिप के केस में ऐसा कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है और यूलिप में मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगा आपको, लेट से 15-20 साल के लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, तो मैच्योरिटी के टाइम पे जितना आपको पैसा मिलेगा उस पर भी किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं है।
लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर टैक्स बेनिफिट्स हैं भी यूलिप के ऊपर तो भी क्या यह सेंस बनती है कि हम इसके अंदर निवेश करें, क्या हमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कंबाइन करना चाहिए एक प्रोडक्ट के अंदर, यह हम थोड़ा सा कैलकुलेशन से समझेंगे। इसके लिए हमें यह जानने की जरूरत है कि हमें आखिर लाइफ कवर मिल कितना रहा है, जिसे हम कहते हैं सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड यानी कि आप जितना भी एनुअल प्रीमियम भर रहे हैं उसका करीब करीब 10 गुना आपका लाइफ कवर हो जाता है। लाइफ कवर यानी कि डेथ बेनिफिट है, बाई चांस कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया लेने वाले का तो उसकी फैमिली को कितना पैसा मिलेगा। अब आप यहीं पे थोड़ा सा अपने थॉट्स को होल्ड कीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर मैं दोबारा टच अपॉन करूंगा। लास्ट में हम कैलकुलेशन समझेंगे क्या ये सम एश्योर्ड सफिशिएंट है या फिर हमको यूलिप की बजाय एक टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए और साथ में म्यूचुअल फंड ले लेना चाहिए। दोनों का मैं एक्चुअल कंपैरिजन करूंगा कैलकुलेशन से तो हमें एग्जैक्ट आइडिया लग पाएगा। अब यूलिप में आपको पैसा कैसे वापस मिलता है, यहां पे आपके एक तो हो गया डेथ बेनिफिट, एक हो गया मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर किसी की डेथ नहीं होती है तो आपको मैच्योरिटी में जो अमाउंट मिलना है वो टोटल फंड वैल्यू जितनी भी हो जाएगी, यानी कि जितना पैसा आपने एनुअल प्रीमियम के फॉर्म में निवेश किया प्लस उसके ऊपर जितने भी रिटर्न्स मिले वो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। दूसरे केस में अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में लेने वाले की डेथ हो जाती है तो वहां पे दो तरीके की पॉलिसीज हैं। पहली पॉलिसी में तो या तो सम एश्योर्ड जितना भी है, सम एश्योर्ड लेट से 20 लाख का रखा गया है, या फिर टोटल जो फंड वैल्यू बन गई है उस टाइम तक लेट से 25-30 लाख की अगर आपकी फंड वैल्यू बन गई है, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपकी फैमिली को मिल जाएगा। तो अगर फंड वैल्यू 25-30 लाख की है, लेट से 25 लाख की है, सम एश्योर्ड आपका 20 लाख का है तो आपकी फैमिली को 25 लाख मिल जाएगा। दूसरे टाइप की पॉलिसी के अंदर सम एश्योर्ड प्लस फंड वैल्यू दोनों ही मिल जाता है, यानी कि 20 लाख का सम एश्योर्ड भी मिलेगा और 25 लाख का फंड वैल्यू भी मिलेगी। इस सेकंड टाइप की पॉलिसी के अंदर लेकिन आपका प्रीमियम ज्यादा हो जाता है। अब हम एक्सपेंसेस की भी बात कर लेते हैं। यूलिप्स को काफी ज्यादा इस वजह से डिस्करेज किया जाता है कि यहां पे आपको कई तरीके के चार्जेस लग जाते हैं, जैसे कि प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, सरेंडर चार्जेस, स्विचिंग चार्जेस, हर चीज के लिए आपको एक चार्ज पे करना पड़ता है। अब आजकल लो कॉस्ट यूलिप्स भी आ गए हैं जिसमें आपके प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस या मोर्टैलिटी चार्जेस या फिर आपके पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस इस तरीके के चार्जेस नहीं लगते हैं, खाली फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगते हैं। और फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी IRDA ने कैप कर रखे हैं 1.35% पे। हाँ, चार्जेस अगर कम हो भी गए तो मैंने जैसे आपको कहा कि स्ट्रक्चर में भी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमें कैलकुलेशन से ही समझ में आएगी। उसके पहले मैं एक बार रिटर्न्स पे भी थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा किस तरीके के हमें रिटर्न्स मिल जाते हैं यूलिप में। आप ये मान सकते हैं अगर आप खाली इक्विटी पोर्शन में निवेश कर रहे हैं, सारा पैसा आप इक्विटी फंड के अंदर डाल रहे हैं तो आपको 10-11% के रिटर्न्स मिल जाते हैं एक्सपेंसेस निकालने के बाद। म्यूचुअल फंड्स में आप मान सकते हैं टैक्स लगने के बाद भी आपको 12-13% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। आप यूलिप्स को कंपेयर कर सकते हैं सेम ही फंड हाउस के, और उसी के म्यूचुअल फंड्स भी कंपेयर कर सकते हैं। मैंने खुद भी एनालाइज किया है, यूलिप्स के मुकाबले म्यूचुअल फंड्स हमेशा थोड़े से बेटर रिटर्न्स देते हैं, 1-2% के रिटर्न्स बेटर देते हैं। बट चलिए इन्वेस्टमेंट हम कंपैरिजन करें। आप सोचेंगे कि अगर यूलिप में मेरे को 1-2% कम मिल भी रहा है, साथ में इंश्योरेंस भी मिल रही है, तो क्या वो बेटर प्रोडक्ट नहीं हुआ? इसके लिए अब हम एक बार कैलकुलेशन देखते हैं। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें उसके मैक्सिमम रिटर्न्स मिलें, यानी कि जितना भी हम पैसा लगा रहे हैं हम चाहेंगे कि उसके लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो यहां पे भी अगर हम पैसा इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हैं तो नेचुरल सी बात है हम चाहेंगे इंश्योरेंस के अंदर हमें मैक्सिमम लाइफ कवर मिले उतने ही पैसों में, प्लस इन्वेस्टमेंट में हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। तो अब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है या फिर यूलिप का ऑप्शन आपको बेटर रहेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी की एज मान लीजिए 30 साल की है, सैलरी उसकी पकड़ लेते हैं लेट से 7 लाख रुपए पर एनम की है, तो इसको मिनिमम लाइफ कवर कितना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस इसको कितनी लेनी चाहिए? तो इसके लिए मैंने एक मल्टीपल्स बताया था, आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए कि हमें कितनी लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। उसमें हमने बात की थी कि 30 साल के बंदे को जो मिनिमम लाइफ कवर है वो 15 से 20 गुना अपनी एनुअल सैलरी का लेना चाहिए। इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि आने वाले 15-20 सालों में आपकी सैलरी रिप्लेस हो जानी चाहिए, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो इसको लाइफ कवर जो चाहिए 15×7 लाख यानी कि 1,05,00,000 का लाइफ कवर चाहिए। इसको हम कहते हैं सम एश्योर्ड, यहाँ पे SA मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तो इतना लाइफ कवर चाहिए। तो अब ये लाइफ कवर लेने के लिए दो ऑप्शंस हैं। अब ट्रेडिशनल प्लान्स की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड, क्योंकि हम रिटर्न्स भी अच्छे चाहते हैं। ट्रेडिशनल प्लान में मैंने पहले ही बात की थी कि वहां पे रिटर्न्स अच्छे नहीं होते हैं, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम पहले टर्म प्लान की बात कर लेते हैं। अगर 1,05,00,000 का हमें लाइफ कवर चाहिए तो इसके लिए टर्म प्लान का जो प्रीमियम पे करना होगा वो लगभग 10,000 पर एनम के टर्म प्लान से आपका ये इंश्योरेंस आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यूलिप की।
यूलिप के अंदर अगर आपको इतना समय शोर्ड चाहिए तो समय शोर्ड कितना होता है, आपको यूलिप में मिलता कितना है आखिर, 10 times ऑफ एनुअल प्रीमियम। अब आप चाहते हैं कि आपको सम एश्योर्ड चाहिए 1,05,00,000 का। अब मैं यहां पे 1,05,00,000 क्या, मैं खाली रफ फिगर ले लेता हूं, 1 करोड़ की ले लेते हैं आपको, लेट से आपको 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको अगर एनुअल प्रीमियम का ये 10 गुना है तो एनुअल प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा, 10,00,000 भरना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस फिगर को, 10,00,000 की तो सैलरी भी नहीं है इस बंदे की, 7,00,000 पर एनम की टोटल सैलरी है, और इसको अगर इंश्योरेंस सफिशियंट चाहिए 1 करोड़ की तो इसको 10,00,000 रुपए पर एनम का प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो नेचुरल सी बात है ये यूलिप से पॉसिबल ही नहीं है, तो यही सबसे बड़ा फ्लॉ है यूलिप का। तो अब ये बंदा अगर यूलिप कंसिडर करेगा तो ये एक्चुअली बैक कैलकुलेट करेगा, ये कहेगा कि मेरा बजट तो 10,000 पर मंथ का है, उसमें मैं देखना चाहूंगा कि मेरे को कितना यूलिप में इंश्योरेंस मिल जाएगा या फिर मैं उतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। तो इन्वेस्टमेंट अगर ये 10,000 पर मंथ की करता है तो इसका एनुअल प्रीमियम हो गया 1,20,000 का, इसके अंदर सम एश्योर्ड 10 गुना ऑफ एनुअल प्रीमियम हो गया तो कितना मिला, खाली 12,00,000 का सम एश्योर्ड हुआ। अब आप ये दो फिगर्स कंपेयर करके देखिए, 12,00,000 का यहां पे इसको सम एश्योर्ड मिल रहा है और यहां पे देखिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल रहा है। अब इसी एग्जांपल में ये जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 10,000 पर मंथ की, टोटल हमने यहां पे कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, 1,20,000 की, तो 1,20,000 में से लेट से इसने 10,000 पर मंथ पर एनम का सॉरी यहां पे टर्म प्लान ले लिया है, तो बाकी का बचा 1,10,000। इस पैसे को ये आराम से म्यूचुअल फंड में डाल सकता है और इस म्यूचुअल फंड के अंदर ये 12-13% के रिटर्न्स कमा सकता है पोस्ट टैक्स, और यहां पे 1,20,000 पे इसको 10-11% के रिटर्न्स मिलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे रिटर्न्स भी बेटर हैं, हाँ अमाउंट यहां पे 1,20,000 इन्वेस्ट हो रहा है, यहां पे 1,10,000 इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप देखिए यहां पे ये 10,000 में ही कितना ज्यादा आपको लाइफ कवर मिल गया है, सफिशिएंट लाइफ कवर मिल गया है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है यहां पे। आप देख सकते हैं अगर आपको यूलिप में ये जो सम एश्योर्ड ज्यादा चाहिए तो ये तो अफोर्डेबल ही नहीं है, तो यूलिप एक बहुत अच्छा इंश्योरेंस का काम करता ही नहीं है। आप इसे खाली इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना ही है तो उसके लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जैसा हमने कैलकुलेशन से देखा, अगर हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो वहां पे हमें लाइफ कवर भी अच्छा मिल जाता है, साथ में अगर हम म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं तो हमें रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, साथ में अगर आप टैक्स बेनिफिट भी लेना चाहते हैं तो आप ELSS स्कीम के अंदर पैसा डाल सकते हैं, सेक्शन 80C के अंदर, वहां पे भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। हाँ, वहां पे 3 साल का लॉक इन पीरियड है, वो यूलिप के मुकाबले तो काफी कम ही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम यूलिप के अंदर पैसा डालते हैं तो लाइफ कवर एक तो हमारा काफी कम हो जाता है और रिटर्न्स भी थोड़े कम होते हैं। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि अगर हम यूलिप को खाली एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट देखें तो उसका कोई बेनिफिट है या नहीं। इसका यहां पे एक रीजन मुझे समझ में आता है, वो है यहां पे स्विचिंग का बेनिफिट होता है। स्विचिंग यानी कि आप इक्विटी फंड से डेट फंड में स्विच अगर कर लेते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगता है यूलिप के अंदर। आपको नॉमिनल से चार्जेस देने होते हैं खाली 100-200 रुपए के, और फायदा आपका यह है कि आपको लगता है अगर आने वाले टाइम में शेयर मार्केट गिरने वाली है तो आप अपना पैसा वहां से निकाल के किसी डेट फंड में डाल सकते हैं और यहां पे आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में स्विच करते हैं इक्विटी से, अगर आप किसी डेट फंड में चले गए सेम ही फंड हाउस के, तो वो आपकी यूनिट्स रिडीम हो जाती हैं, उस पर आपका कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाता है। लेकिन ये बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और टाइम होना चाहिए। ज्यादातर लोग यूलिप और म्यूचुअल फंड में इसीलिए निवेश करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता है रिसर्च करने का। तो अगर आप इस तरीके की रिसर्च नहीं कर सकते हैं तो यूलिप आपके लिए प्रोडक्ट नहीं है। इससे अच्छा है कि आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए और म्यूचुअल फंड ले लीजिए। और एज अ जनरल रूल भी अगर हम कहना चाहें तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट हमें मिक्स नहीं करनी चाहिए। इंश्योरेंस में हम सेफ्टी देखते हैं अपनी फैमिली के लिए कि इतना पैसा हमारी फैमिली को फॉर श्योर मिल जाए, लेकिन अगर हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट मिक्स कर देते हैं, साथ में लॉक इन पीरियड आ जाता है, शेयर मार्केट अगर बीच में आ जाती है तो श्योरिटी नहीं है। अगर आपका पैसा नीचे चला गया, लेट से शेयर मार्केट आने वाले 2-3 साल में नीचे चली गई और आपकी फैमिली को कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के अंदर पैसा की जरूरत पड़ जाती है तो वहां पे काफी कम पैसा मिलेगा। तो ये मार्केट का उतार चढ़ाव हम नहीं चाहते हैं कि भाई इंश्योरेंस के अंदर हो, तो इसीलिए हमें टर्म इंश्योरेंस सेपरेट रखनी चाहिए और म्यूचुअल फंड्स के अंदर साथ में अगर हम निवेश करते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में हम निवेश कर सकते हैं, वो चॉइस है हमारे पास, तो उतना ही पैसा हम लेट से म्यूचुअल फंड्स में डालें, चाहे ELSS में डालें, PPF में अगर हम डालना चाहें, NPS में डालना चाहें, कोई रियल एस्टेट खरीदना चाहें, तो वो चॉइस आपके पास है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको यूलिप का आइडिया लग गया होगा, उसके फीचर्स क्या हैं, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, किस वजह से हमें यूलिप में निवेश करना चाहिए, किस वजह से हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।
आप आने वाले वीडियोस के लिए टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।